वेलकम बैक इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड एग्जांपल नंबर फाइव जिसमें हमने बात की थी कि किस तरह से हम एक फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं टू इंडिकेट के हम गिवन नंबर्स का सम प्रोडक्ट और एवरेज कैसे फाइंड आउट करें अभी हम बात करने जा रहे हैं एग्ज़ाम्पल नंबर सिक्स के बारे में एग्जाम्पल नंबर सिक्स ये है कि आपने एक फ्लो चार्ट क्रिएट करना है टू फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरालोग्राम ठीक है तो इस फ्लो चार्ट पे जाने से पहले हमें जो चीज़ समझनी है वो है क्या है तो जो सिंबल हम यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए आ, हम सिंबल्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं फ्लो चार्ट जब हमने स्टार्ट किए थे तो इनपुट आउटपुट सिंबल जिसे हम बोल रहे हैं तो बेसिकली उसी सिंबल को हम पैरा बोलते हैं तो पैरा ये सिंबल है जो इनपुट आउटपुट के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है अगर हमने पैरा का एरिया फाइंड आउट करना हो तो इसका हमारे पास फार्मूला ये है ए इज़ इक्ल टू बी एच अब ये ज़रा समझ लें कि बी एच क्या है ये हमारे पास डायग्राम गिवन है पैराललोग्राम की हमें सबसे पहले जो वैल्यू चाहिए वो वो एक तो है इसकी बेस आप इस लाइन को कह लें या इसी तरह से आप इस लाइन को कह लें ये होगी उस पैरालोग्राम की बेस नंबर वन पहली चीज़ हमें उसकी बेस की वैल्यू पता होनी चाहिए अगर आपने पैरालोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है नंबर टू दूसरी चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है उसकी हाइट कि उस पैरालोग्राम की हाइट कितनी है अगर हमें ये दो चीज़ें पता होंगी तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर हमने एरिया फाइंड आउट करना है पैरा का तो हम बेस को बी मीन्स बेस और एच मीन्स हाइट तो हम बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारे पास एरिया आ जाएगा किसका एरिया आ जाएगा पैरा का तो ये बेसिक फार्मूला है इसका मतलब ये है कि अगर हमने पैरा का एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें बेस और हाइट की वैल्यू हर सूरत पता होनी चाहिए रिक्वायरमेंट्स आ गई हमारे पास कि हमने इस तरह फ्लो चार्ट क्रिएट करना फ्लो चार्ट की तरफ हम वापस आते हैं तो सबसे पहले तो हमने टर्मिनल सिंबल यूज किया जो ये इंडिकेट करेगा कि फ्लो चार्ट स्टार्ट हो चुके उसके बाद आपने इस फॉर्मूला से समझना फार्मूला आपको समझ आ गया कि अगर हमने पैरालोग्राम का एरिया निकालना है तो उसके लिए हमें बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करना है बेस और हाइट की वैल्यूज़ जो हैं वो आ, वो तो कहीं पे भी नहीं ना दी गई स्टेटमेंट में तो हमें क्या करना है कि हमें उसको इनपुट के तौर पे वो मांगनी है यूज़र से कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपके लिए पैरालेलोग्राम का एरिया फाइंड आउट करें तो आप हमें उसके लिए पैरा की बेस और उसकी जो हाइट है इन दोनों की वैल्यूज़ प्रोवाइड करें तभी हम आप उसको एरिया की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करके दे सकते हैं फार्मूला में इंप्लीमेंट करके उसको तो इस तरह से हमने क्या किया इनपुट में हमने ये दोनों वैल्यूज उससे पूछ ली कि आप हमें बेस बताएं और हाइट क्या पैरालोग्राम की ये दोनों चीज़ें हमें इनपुट में रिक्वायर्ड हैं तो हमने इनपुट में पूछ ली यूजर से उस, उसके बाद जब हमारे पास बेस और हाइट की वैल्यू आ जाएगी देन हमने क्या करना है कि यही जो फार्मूला है ये फार्मूला हमने इंप्लीमेंट करना है एरिया इज इक्वल टू बेस इन मल्टीप्लाई बाई हाइट अब Uh, जब हम फार्मूला इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी आर कैलकुलेटिंग समथिंग आपको पता है जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम उसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं हम उसके लिए सिंबल यूज़ करते हैं प्रोसेस सिंबल तो हमने यहाँ पे रेक्टेंगल यूज़ किया है विच इज़ इंडिकेटिंग प्रोसेस सिंबल अगेन बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट फॉर एग्जांपल बेस टू है और हाइट थ्री है तो टू मल्टीप्लाई बाय थ्री है क्या आ जाएगा थ्री टू जर सिक्स तो ये तो होगी कैलकुलेशन फिर हमने इस वैल्यू को स्टोर भी करना है तो ये वैल्यू हमने स्टोर की एरिया में अगेन वैल्यू स्टोर करने के लिए डाटा स्टोर करने के लिए फ्लो चार्ट में हम किस सिंबल को यूज करते हैं प्रोसेस सिंबल को तो यहाँ पे हमने इसी इसी को रेक्टेंगल सिंबल में हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हो रही है प्रोसेस सिंबल में एक तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट दैट इज कैलकुलेशन और उस कैलकुलेशन का जो रिजल्ट है वो एरिया में स्टोर हो रहा है दैट इज स्टोरेज तो कैलकुलेशंस प्लस डाटा स्टोरेज ये दोनों काम हम कर रहे हैं प्रोसेस सिंबल में इस चीज का आपने ध्यान रखना है उसके बाद जब हम इसको कैलकुलेट करके एरिया में स्टोर कर देंगे यूज़र को इसकी वैल्यू चाहिए थी फाइनल के पैरलोग्राम का एरिया क्या निकले तो वो हमें हम उसे प्रिंट uh, स्टेटमेंट uh, के थ्रू हम इनपुट आउटपुट सिंबल बनाएंगे क्योंकि वी आर प्रोवाइडिंग आउटपुट तो इनपुट आउटपुट सिंबल बनाएंगे और उसमें हम लिख देंगे प्रिंट एरिया कि एरिया की जो भी वैल्यू कैलकुलेट होकर एरिया में स्टोर हुई है उसको क्या किया जाए यूज़र को प्रोवाइड कर दीजिए उसे आउटपुट के तौर पर शो कर दीजिए इसके साथ ही हमारा ये जो का फ्लो चार्ट है ये कंप्लीट हुआ तो हमने यहाँ पे टर्मिनल सिंबल के थ्रू यहाँ पे टर्मिनल सिंबल लगाया और उसमें हमने एंड लिखता तो ये हमारी सिक्स एग्जांपल्स थी जो बेसिक बेसिक एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल जिसमें मैक्सिमम तीन चीजें इस्तेमाल हो रही हैं जो हमने रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट में पढ़ी थी नंबर वन इनपुट नंबर टू उस पर प्रोसेस क्या करवाना है एंड नंबर थ्री यूजर को हमने आउटपुट क्या देना है ये तीन चीजें हम डिस्कस करते आ रहे हैं अब तक और आपने देखा है कि उसकी अरेंजमेंट चेंज नहीं हुई अरेंजमेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लोचार्ट वाली रही है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ ली थी नेक्स्ट लेक्चर में हम आ, बात करेंगे एक नेक्स्ट एग्जांपल की फ्लो की नेक्स्ट एग्जांपल की लेकिन उसकी जो नोयत है उसकी जो कैटेगरी है वो थोड़ी सी इससे डिफरेंट होगी uh, किस सेंस में डिफरेंट होगी इस सेंस में डिफरेंट होगी कि हम बात करने जा रहे हैं आगे चल के कंडीशनल फ्लो की कि फ्लो चार्ट्स में कंडीशनल फ्लो कब आता है और कंडीशनल फ्लो को हमें किस तरह से अंडरस्टैंड करना होता है ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इसी से रेलिवेंट हम फिर आ, आगे कुछ एग्जांपल समझेंगे तो हमें बात समझ में आ जाएगी कि कंडीशनल फ्लो क्या होता है तो मिलते हैं अगली वीडियो में